नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। सोमवार से पश्चिम बंगाल में 10वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान हैरान कर देने वाली बात भी सामने आई है। आपको बता दें, जिन केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है उस एरिया में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद सहित विभिन्न जिलों में परीक्षाएं शुरू होने से एक घंटे पहले 2019 और 2020 में सोशल मीडिया मंचों पर प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। बोर्ड ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में गैर कानूनी गतिविधि यानी कि परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिसूचना में हालांकि उन क्षेत्रों के नाम नहीं बताए गए हैं जहां ये प्रतिबंध लागू होगा। इंटरनेट के जरिए टेक्स्ट, तस्वीरें और वीडियो भेजने पर रोक लगा दी गई है। ये पाबंदी 16 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक लागू रहेगी। आपको बता दें, राज्य में 10वीं बोर्ड की परीक्षा इन्हीं तारीखों पर हो रही है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक छात्र परीक्षा के शुरुआत के 1.25 घंटे तक शौचालय नहीं जा सकते हैं। इससे पहले परीक्षार्थियों को 45 मिनट के बाद कक्षा से बाहर जाने की अनुमति थी। आरोप लग रहे थे कि छात्र शौचालयों में किताबें छुपा रहे हैं। बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं से बचने के लिए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए निगरानी की व्यवस्था की है। कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 10वीं की परीक्षा के लिए करीब 6,21,931 छात्राएं और 4,96,890 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।